हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है। कैसे आप सब? और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपको सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आशुतोष राणा की नई मूवी जिसका नाम है लकीरें। तो चलिए देखते हैं ये ट्रेलर कैसा है और इन्जॉय करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 अपराधी पति, पीड़िता पत्नी, अच्छा अपराध बलात्कार। पूरा नाम क्या लिखती है? काव्यांजलि पुरुषोत्तम भारती। तुझे खबर नहीं है मगर एक बात सुन ले, आदत खराब कर दी तेरे 2 दिन के प्यार ने। अभी सोना नहीं, हम आ रहे हैं। छोड़ो रवि। मैं काव्या विवेक अग्निहोत्री अपने पति विवेक दामोदर अग्निहोत्री पे अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाती हूँ। ऐसे नहीं होता। ये क्या बकवास है? पुलिस कानून दशा दुर्दशा सब देख तो रही हो। देखो विवेक, हम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हैं। देर होने से पहले इस मामले को सुलझा लो। बात समझे बिना बात बढ़ाओगी तो बढ़ जाएगी ना? तो बढ़ा लीजिए। तुम जिस तरह से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहती हो उस तरीके से मिलेगा तुम्हें कुछ। और ऐसे कौन से बड़े दुख से गुजर रही हूँ? किसी के दुख को जाने बिना उसे छोटा या बड़ा कैसे समझा जा सकता है गीता जी? प्रोफेसर साहब, बिना आग के धुआं नहीं। क्या बकवास क्या है ये? हमारे वकालत के बेटे की खासियत भी है और खामी भी है कि हमें झूठ को सच और सच को झूठ बनाना पड़ता है। छलावे को खुशी समझ रहे हो मुझे? ये जो तुम्हारे जोश की आंधी है हवा के हल्के झोंके की तरह गुजर जाएगी गलियों से और दड़बों में रहने वाली मुर्गियों तक को पता नहीं चलेगा। हम अपने परिणाम तक पहुँचे ना पहुँचे आपका अंत अब निश्चित है। कानून में वैवाहिक बलात्कार का प्रावधान ही नहीं है, फिर भी पता नहीं ये क्यों बलात्कार की चक्कर गिनने चलाए जा रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, क्या 18 साल के बाद की विवाहित महिलाओं का बलात्कार नहीं होता है? पिछले 1 साल के वैवाहिक जीवन में आपको कब लगा कि आपके पति अब पति नहीं रहे, बलात्कारी हो गए? इन्होंने मेरा रेप किया है और वो भी मेरी कंसेंट के बिना किया है। कंसेंट? आपकी कंसेंट अपने पति के लिए नहीं है तो किसके लिए है ये भी अदालत को बता दीजिए। काव्या से आपके संबंध कैसे? कभी आपको लगा आप उन पे हावी हो रहे हैं? हम उनकी सारी जरूरतें पूरी करें तो उनका कर्तव्य नहीं बनता हमारी जरूरतों का ख्याल रखें? ये तो आसपास दिख रहा है ना, ये जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तुम भूल हो हमारे बगीचे का, महकोगी हमारे साथ ही रहेगी। दिल के घाव जब रिसते हैं तो दिमाग सुन पड़ जाता है। बहुत ही घटिया सब्जेक्ट। मैं अदालत से इस तरह से न्याय की उम्मीद करती हूँ जिस तरह से हर उस लड़की को आज तक मिलता आया है। अजीब। क्या डायरेक्टर ने भाई अपना पूरा जो उसका गंदगी है ना वो सारा मूवी में डाल दिया। क्या बकवास बना के रख दिया। बताओ कोई सुनेगा भी तो मजाक उड़ाएगा। शहरों में तो ये चलता होगा लेकिन गांव में अगर ये ऐसा सुनेगा भी तो भाई मजाक उड़ा देगा पूरा गांव। और ये पूरा फेमिनिस्ट से भरा हुआ है मूवी और जो उनको पसंद आएगा जो सोच बोलती हैं मैं आज़ाद ख्यालों की हूँ, ये है वो है, जो भी उनका दिमाग में जो चलता रहता बकवासी उनको बहुत पसंद आएगा ये मूवी। और जो मेल कैरेक्टर है उनको बिल्कुल नेगेटिव की तरह दिखाया, भी दरिंदे की तरह दिखा रहा है इसमें, तो बहुत ही मुझे पसंद नहीं आया ये ट्रेलर। और जितना भी खुराफात था डायरेक्टर का वो इसमें डाल दिया है। और जितने भी मेल एक्टर है उसको पूरा विलन की तरह दिखाया और फीमेल जितने भी कैरेक्टर है उसको बिल्कुल जैसे लग रहा है कि वो मासूम तरह दिखा रहे हैं, ये ख़राब लगा मुझे, अच्छा पसंद नहीं आया मुझे। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।